हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको ऐसे टॉप क्रिप्टो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर कौन कौन से और कौन सा बेस्ट है, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है स्टेक करने के लिए अपने कॉइन्स को। और सबसे बड़ी बात, लोग स्टेक जो करना चाहते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि स्टेबल कॉइन को स्टेक करें, ठीक है। बट अगर आप किसी कॉइन को लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से या होल्डिंग पर्पज़ के हिसाब से, चाहे आप उसे 15 दिन से 1 महीने भी होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर्पज़ से भी आप उनको उसको उस पर रिवार्ड अर्न कर सकते हो। और वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा रिवार्ड देता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको बाइनेंस के ऊपर। देखिए, बाइनेंस ने कैसे लोगों का बेवकूफ़ बनाया, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे अर्न के ऊपर, अर्न के ऊपर आप देखेंगे बाइनेंस अर्न है, सेविंग है, बीएनबी वोल्ट है, ये फलाना ढिकाना, ठीक है, स्टेकिंग स्टेकिंग सो जो भी हो ड्यूल इन्वेस्टमेंट। हम बाइनेंस अर्न जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, सेविंग्स है, स्टेकिंग है, फार्मिंग है और ड्यूल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ड्यूल इन्वेस्टमेंट के अंदर हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड होता है। स्टेकिंग के अंदर आप देखोगे लॉग्ड स्टेकिंग है, डेफी स्टेकिंग है, ईथर 2.0 स्टेकिंग है और डॉट ऑक्सो स्लो स्टेकिंग है। और सेविंग्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आपको बीएनबी वॉल्ट है, ऑटो इन्वेस्ट है, सेविंग्स है, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पर चलते हैं गारंटीड वाली, और एक यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलर कॉइन्स में, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिवार्ड देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, AXS कॉइन। आप किसी भी कॉइन में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि BTC डोमिनेंस अगर पीक पर है तो ही अल्ट कॉइन के अंदर आपको स्टेकिंग करनी है। ध्यान से समझ लीजिए, BTC डोमिनेंस पीक पर है, ठीक है, कम से कम भी 65 एंड अबव है तो आप अल्ट कॉइन को बाय करके उसे स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। तो आप बहुत ही छप्पर फाड़ आपको APY में वो आपको रिवार्ड मिलेगा, साथ में आपको प्रॉफिट भी होगा उस टाइम उस कॉइन को बाय करने का, ठीक है। आपने बिल्कुल पीक पर ही बाय कर लिया, जब जब मान के चलते हैं BTC डोमिनेंस बिल्कुल 42-41 से लेकर 44 के बीच में है, 45 के बीच में, उस वक्त अगर आप बाय करते हो तो ऑलरेडी वो उस वक्त वो कॉइन का प्राइस पीक पर होता है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो कैसे डोमिनेंस के बेसिस पर आप कैसे चेक करते हैं, तो मेरी ये कल की एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारी स्ट्रेटेजी शेयर की है, आप उसको देख सकते हो। अब AXS की बात करते हैं, 120.69%, आपको ये चेक करना होगा इसका प्राइस बिल्कुल पीक पर हो तो आपको इसके अंदर एंट्री लेनी, आपको चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा हो कि यहाँ से ये रिवर्ट मार सकता है या इसके करेक्शन ले सकता है तो उस कॉइन का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको 126% मिल भी रहा है और इस वक्त इस कॉइन का प्राइस कम से कम 100% 200% पंप है ऑलरेडी, तो यहाँ से लग रहा है कि करेक्शन के चांसेज हैं, मान लो 50% 30% भी करेक्शन के चांसेज हैं, तो आपका जो 126.9% है ये करीब करीब आपका रह जाएगा 30-40% का ही। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, 90 डेज की ड्यूरेशन इसके अंदर अगर आप स्टेक करते हो तो 90 डेज के लिए लॉक्ड स्टेकिंग हो जाएगी, और विदाउट लॉक स्टेकिंग में 70% है, 15 दिन के लिए आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, 90 डेज की जगह। बाकी नियर है, AVX है, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसमें, देखिए USDT के ऊपर, फ्लेक्सीबल के ऊपर आपको यहाँ पर 10% दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है, अगर आप 0 से 2000 USDT को जब आप यहाँ पे फ्लेक्सीबल के अंदर डिपॉजिट करते हैं 2000 USDT तक, INR के हिसाब से करीब करीब 1,40,000 के आसपास बनते हैं, नहीं 1,50,000 के आसपास बनते हैं, तो आपको 10% का APY मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा करते हो देखो तो आपको 2000 से 75,000 पर आपको 3% का मिला। इन्होंने छोटे यूज़र को भी टारगेट किया हुआ है, ठीक है, बट आप अगर बड़े यूज़र हैं, आपके पास ज़्यादा माल है तो फिर आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपके पास माल के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट तो सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर फिक्स्ड सेविंग के ऊपर भी आपको 5% मिल रहा है, तो BUSD पे भी वही सेम कंडीशन है, आप देखोगे यहाँ पे 500 BUSD तक आपको 10% मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, फिर बाद में कहोगे अरे यार ये क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, ये तो बेवकूफ़ बना दिया हमारा। अब चलते हैं दूसरा प्लेटफॉर्म, ठीक है। 2000 USDT तक अगर आपके पास हैं, दोबारा से कहूँगा, तो बाइनेंस का यूज़ करिए बेधड़क फ्लेक्सीबल सेविंग के अंदर। चलते हैं वो भी अर्न अप टू 50% APY इन क्रिप्टो सेफली एंड ईजिली। अब यहाँ पर देखते किस पर दे रहे हो भाई तुम, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉइन्स हैं, मैं तो एक बार दोबारा लेकर चलता हूँ हुओ भी अर्न के ऊपर, ठीक है। ये देखिए मैंने ये देखिए हुओ भी अर्न के ऊपर ये आ चुका है, ठीक है। प्रो पे 200% का APY, सेल पर आप देखो 200% का, विजन पर आपको 200% का APY यहाँ पर ये दे रहे हैं। अब यहाँ प्रूडेंट पे चलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 6.5% का APY है 90 डेज पर। अगर आप 30 दिन पर चलते हो तो आपको 6% का, 14 दिन के ऊपर आपको देखिए यहाँ पर
5% का, और फ्लेक्सिबल पर आपको 2% का। देख लीजिए सीधा सीधा, 14 दिन पर आप करोगे तो 5.5% है, फ्लेक्सिबल पर आपको सिर्फ 2% का ब्याज मिल रहा है। एक्चुअल में जो ब्याज देते हैं ना एक्सचेंज, या APY देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो 2% 3% के आसपास तक का ही देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप अगर फ्लेक्सिबल करते हैं, आपको किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो फ्लेक्सिबली लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर फिक्स्ड वाले में ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, बाकी AXS पर देखिए, यहाँ पर 36.5% है फ्लेक्सिबल पर, जबकि वहाँ पर आपको बाइनेंस के अंदर AXS पर आपको 70% तक भी मिल रहा था 15 डेज़ के हिसाब से, यहाँ पर उसका आधा हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख कर ही इसको आपको करनी है। ठीक है, काफ़ी सारे कोई में काफ़ी अच्छा अच्छा आपको इसके अंदर रिटर्न देखने को मिल जाएगा, APY देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेबल कोइन के इसलिए कहूँगा क्योंकि स्टेबल कोइन में आपका आपका जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, और आप जो रिवार्ड अर्न करोगे वो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। बट टोकन्स के अंदर कई बार क्या होता है, अगर प्राइस कम हो जाए तो जो प्रॉफिट अर्न किया है रिवार्ड में वो भी बेकार है। ठीक है, हाँ, अगर पंप हो जाए उसका प्राइस, तो जो रिवार्ड मिला वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट तो है ही है, साथ में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है होल्ड करने पर वो अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये था UOB का। ठीक है, मैं आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बता रहा हूँ कौन सा बेस्ट रहने वाला है आपको USDT स्टेबल कोइन को होल्ड करने में, स्टेक करने में। अब चलते हैं बायबिट एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, बायबिट एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं USDT के ऊपर 15% का आपको ये जो लूना टेरा लूना है उसका खुद का नेटिव टोकन, ये स्टेबल कोइन है। ठीक है, तो इस पर आपको 15% का बिल्कुल सेम है। अगर आप मान लो USDT को स्टेक करना चाहते हो तो उसकी जगह आप USDT को UST में कन्वर्ट कर लीजिए। मैं कहता हूँ अगर आपके पास 1000 USDT है तो उसे कन्वर्ट करेंगे USD में, तो मुझे नहीं लगता आपके 9999.90 सिर्फ 10 सेंट आपको लगेगा करीब करीब उसे कन्वर्ट करने में, पर आपको यहाँ पर APY तो ज़्यादा मिलेगा। फिर दोबारा से उसको फिर सेल कर दीजिए USDT अगर चाहते हैं तो, अदरवाइज USD में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लीजिए USD में। मेरा तो मानना यही है, अगर आप ट्रेड स्टेक करना चाहते हैं तो 15% में आप इसको कर लीजिएगा। पहले ये 20% था, अब यहाँ पर 15% है, क्योंकि व्यू मोड में थोड़ा सा चलते देख लेते हैं और क्या क्या ये दे रहा है। हाई APY लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे ये दे रहा है एस फंड में 6.6% का APY, क्योंकि परसों ही ये लिस्ट हुआ इस एक्सचेंज पर। ठीक है, LGX पर भी 6.6% का, लीजन नेटवर्क पर, और बाकी देखते हैं बिट टोकन पर काफ़ी कम दे रहे हैं, 1 पर 2% है, नियर पर 4% है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी यही थे इसके साथ। टॉप रैंकिंग कोइंस के अंदर देखिए USDT पे देखिए कि 3% का APY दे रहे हैं एक्सचेंज के अंदर। देखिए ध्यान से समझिए, ये 2% 3% का APY मिलता है, बस ये घुमा फिरा कर टोपी पहनाते हैं। मेरे हिसाब से आप है ना अगर USDT कोइन को ठीक है रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, वो भी देख लेते कैसे। ठीक है, हम गए यहाँ पर, हमने ये देखिए USDT, हमने USDT को यहाँ पे लिया। ठीक है, USDT अगर हम मान के चलते हैं, मैं यहाँ पर ये देखिए ऑर्डर प्राइस तो मेरा ये हो गया, मैं चाहता हूँ कि मैंने 100 USDT बाय करने हैं, तो मेरे कितने USDT मुझे देने पड़ेंगे, 100.13, यानी 13 सेंट एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब चीज़ को समझिए, यहाँ पर अगर आप इसको जब सेल करने जाओगे, मैं कहता हूँ 100.13 मैंने अर्न कर लिए, मतलब मुझे मेरा कम हुआ, यानी कि मुझे 99.87, अब मैं यहाँ पे सेल करने जाता हूँ इसी को ही 99.87। ठीक है, तो अब मैंने देखिए यहाँ पे 99.87 को जब मैं सेल करने जा रहा हूँ USDT को, तो मुझे कितने USDT मिल रहे। अगर प्राइस हमारा यही रहता, अगर हम इस पर सेल करते हैं तो जो यहाँ पर बायर खरीदने के लिए तैयार है, तो मुझे $100 मिल जाएंगे, यानी कि 13 सेंट का ही फर्क पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। बट आप अगर इसको अगर आप उसको अर्निंग के बेसिस पर अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिवार्ड इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा। मेरा तो यही कहना आपसे कि USDT को ही आप स्टेकिंग पे लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस पर कन्वर्ट करके इसको लगा सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया दे रहने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सचेंज हमारा MEXC। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल सेविंग्स हैं जो आप कभी भी इसको, तो यहाँ पर देखिए 2.09% का आपको ये रिवार्ड दे रहा है। मैं बात करूँगा सिर्फ इसकी, ठीक है, मैं किसी और अदर कोइन की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा जो USDT की बात करूँगा, स्टेबल कोइन की बात करूँगा बेसिकली। देखिए यहाँ पर 6.88% पर ऑलरेडी सोल्ड हो चुका, 15 डेज के लिए टाइम था इसका। ठीक है, अगर वैसे आप इसको इनके पास उस वो वाला अभी है ही नहीं फिर फ्लेक्सिबल में, 2.09% का ये, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको करना ही है तो उसे USDT में कन्वर्ट करें और देन उसको डाल दें, क्योंकि USDT भी एक स्टेबल कोइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2% लेने की जगह 15% लीजिए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा, मैं इसलिए MEXC को कैंसिल करते हैं, ये काम का
प्लेटफॉर्म नहीं है फॉर स्टेकिंग, ठीक है, रिवार्ड के लिए, पैसिव इनकम के लिए ये अच्छा नहीं है। आप चलते हैं कुकॉइन एक्सचेंज पर, कुकॉइन अर्न के अंदर हमने ऑप्शन किया है। अब यहाँ पे चलते हैं, आप देखोगे एडीए पर 2.84, लूना पर 2.84, वॉक्सेल पर, हमें इसके कुछ नहीं, हम चलते हैं इस पर। यहाँ पर देखोगे आप फ्लेक्सिबल पर आपको 6.14 है, यहाँ पर आपको 5.38 है, 0.36 है, ठीक है। बाकी MZT ये डोट जो भी है मेरे हिसाब से फिर भी इस पर भी ठीक है। देखिए मैं आपसे कहूँगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, 5.38 है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये फ्लेक्सिबल सेविंग पर है, और इसके अंदर 0.36 है जो यहाँ पर प्रमोशंस पर भी दिया जा रहा है, यानी कि आप अगर फिर भी लोगे तो 5.38% आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा USDT का APY इन द फॉर्म ऑफ APY, और आपको उसी टोकन के अंदर ही आपको रिवार्ड मिलता है। मान लें आपने USDT स्टेक किया तो आपको USDT में ही आपको एक्स्ट्रा टोकन दिए जाएंगे। आपके पास अगर फंड पड़ा है, मैं कहता हूँ 5 साल तक के लिए भी पड़ा है, तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, आप उसकी वैल्यू भी और एक तरह से गिराते जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर उसको जैसे मान के चलते कोई आपने कोई प्लॉट ले लिया, अगर उसकी वहाँ पर आपको पता है कि यार वैल्यू तो इसकी इंक्रीज नहीं हो रही, पर अगर आपने उस पर कोई कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करके उसको अगर रेंट पे दे दिया होता तो आपको वो पैसा आता रहता, तो आपको वजन नहीं लगता, बोझ नहीं लगता। ऐसे ही सेम इसका भी है, अगर आप उस पर स्टेकिंग रिवार्ड लेती रहेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि चलो भाई रिवार्ड तो मिल ही रहा है मुझे, ठीक है। और ऑटो इन्वेस्ट का फीचर होता है, आप उसे ऑटो इन्वेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये था कुकॉइन। मेरा जो लास्ट एक्सचेंज है वो है Gate.io। ये सारे लेजिट और अच्छे एक्सचेंज हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे USDG, ठीक है, Gate.io का USDG इन्होंने बना दिया अपना, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 7 डेज में 6% का APR दे रही हैं, ठीक है, तो 7 डेज का अभी देखिए एंड सीन 23 घंटे करके एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, पर मुझे तो खैर ये पसंद नहीं आया। बाकी यहाँ पे देखिए 2.16, तो मैं इसको भी कैंसिल करूँगा, मुझे Gate.io का भी मामला ठीक नहीं लगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 4% APY है, वो भी फिक्स्ड के अंदर, ठीक है। तो फिक्स के अंदर अगर हमें 4% लेना है तो इससे अच्छा तो फिर बाइनेंस में फ्लेक्सिबल में 2000 USDT तक के देखिए कर सकते हो आप, क्या 2000 USDT तक आप बाइनेंस में कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको 10% फ्लेक्सिबल के अंदर मिल जाएगा, कभी भी विड्रॉ कर लीजिए। तो बाइनेंस में 2000 तक कर सकते हो आप, और किसी भी एक एक्सचेंज में सारा पैसा ना रखिए। होबी के अंदर चलते हैं, तो होबी का भी ऐसी मामला डावाडोल सा है, ठीक है। बाकी आप चाहे तो 6.5% तक यहाँ पर भी ले सकते हो, पर जब आप इसको USDT में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे USDT इन्होंने पता नहीं दिया है नहीं दिया है इस एक्सचेंज पर USDT है कि नहीं ये नहीं पता है देखिए ये रहा आपको यहाँ पर USDT पे 10% मिल रहा, तो क्या बेवकूफ़ी करनी यहाँ पर 10% USDT में लेकर आप यहाँ से लीजिए ना, जो आपको यहाँ पर आपको ये दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जो USDT में 15% दे रहे, तो यहाँ पर लीजिए ना, आप यहाँ पर 10% क्यों लेना चाहेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी, देखिए वीडियो लंबी है पर आपको बिल्कुल क्लियर आपका दिमाग खोल देगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। USDT यहाँ पर बाइनेंस पे भी चेक कर लेते हैं, अगर बाइनेंस के अंदर भी USDT का अगर फीचर है तो देखिए बाइनेंस के अंदर देखिए क्या बढ़िया फीचर है। USDT पर 25% का APY है, और लॉग स्टेकिंग पर 21% का, और फ्लेक्सिबल पर 3% का है। तो फ्लेक्सिबल के मामले के लिए तो बाइनेंस को कैंसिल कर देते हैं, ये अच्छा फ्लेक्सिबल सेविंग में 15% का APY ये अच्छा है, पर बाइनेंस के अंदर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3% का फ्लेक्सिबल में। हाँ 30 दिन के लिए करते हो तो आपको 21% और 90 डेज के हिसाब से आपको 25% का APY मिलता है, ठीक है। तो ये अगर आप ज़्यादा लंबा करना चाहते हो, 90 डेज तक करना चाहते हो, ठीक है ड्यूरेशन, तो फिर आप बाइनेंस पे ही करिए गारंटेड वाले में, और अगर आप फ्लेक्सिबल में करना चाहते हैं तो USDT को इसमें ही करिए। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने USDT को USDT में कन्वर्ट करके देन आप उसको स्टेकिंग पे कर सकते हैं, और बायबिट प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर USDT स्टेकिंग रिवार्ड, ठीक है, अगर आपको फ्लेक्सिबल में चाहिए। अदरवाइज आप बाइनेंस पर जाकर 25% IPY ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों, अब आपको फैसला करना है कि विच प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और कौन सी करेंसी अगर आप स्टेबल कॉइन में करना चाहते हो स्टेक, तो मेरे हिसाब से आपको USDT को, USDC को, TUSD को, जो जितने भी स्टेबल कॉइन है उसको USDT में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि USDT के अंदर भी अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है कई एक्सचेंजेस के अंदर, और उसको फिर आप स्टेकिंग पे लगा दीजिए। फ्लेक्सिबल के अंदर चाहते हैं तो 15% DPY बायबिट एक्सचेंज से ले लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भी मैं तो कम से कम भी 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन होल्ड कर सकता हूँ, तो फिर आप बाइनेंस के अंदर उसको होल्ड करिए। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतना रिवार्ड आपको दोनों पे नहीं मिल रहा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर, और ये बेस्ट एक्सचेंजेस हैं,
ठीक है। तो ये वीडियो थी दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।